साथियों नमस्कार। एक विषय आपके सामने ला रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यह विषय बहुत संगीन और बहुत जरूरी है और जो दिल्ली की जनता को इस विषय को मालूम होना चाहिए। बहुत ही अच्छा और इस समय वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है पूरी दिल्ली के अंदर, लेकिन इसमें कुछ जानकारी है और मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद इसलिए करना चाह रहा हूं। ये थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने 30 जून 2021 तक 4,44,000 वैक्सीन उन्होंने खरीदी जो दिल्ली की जनता को लगवाई उन्होंने। कितना? 4,44,000। ये रिकॉर्ड है 30 जून 2021 का और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीन खरीद करके जनता को लगवाई और इसलिए उनका धन्यवाद करना बनता भी है कि कम से कम 4,44,000 लोगों को उन्होंने दिल्ली के अंदर ध्यान दिया। अब इसे ये कि आखिर दिल्ली में 30 जून तक कितने वैक्सीन लगे, कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई, तो इसका रिकॉर्ड है 75,29,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई 30 जून 2021 तक 75,29,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। तो जब मैंने 4,44,000 के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया तो 75,29,000 में यदि 4,44,000 कम कर देंगे तो समथिंग 71,00,000 जो वैक्सीन है वो किसने लगवाई, किसने मुफ्त दी? देश के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। किसको दिया गया? दिल्ली की जनता को। ये दिल्ली का रिकॉर्ड दे रहा हूं। तो 4,44,000 वाले हर जगह एडवर्टाइज में, हर स्कूल में, हेल्थ वैक्सीनेशन सेंटर में टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं धन्यवाद लेते हुए। तो साथियों आपको तय करना है कि 4,44,000 वाले का इतना बड़ा धन्यवाद जो जनता के पैसे से एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो 71,00,000 प्लस लोगों को अगर वैक्सीन लगवाने वाला, क्या नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना नहीं बनता? क्या हम लोगों का दायित्व नहीं बनता? क्या उनके लिए हमारा धन्यवाद करना नहीं बनता कि जो 71,00,000 से अधिक लोगों की चिंता इतने दिन में कर लिया और जब वो 4,00,000 केवल लोगों कर पाए, तो तय आपको करना है कि आपकी चिंता कौन कर रहा है। और इसके बाद 1 जुलाई से और अगले 8 जुलाई का रिकॉर्ड फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।